आज के एक अखबार में खबर आई है कि 178 लोगों को नौकरी का झांसा दे के एक ठग ने ठग लिया, 178 लोगों को नौकरी का झांसा दिया और पैसा लेके भाग गया। दूसरी खबर आई है कि 40 साल पुराने मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि कृपया अब इस मामले को जल्दी सुनवाई कर दीजिए। सोचिए 1983 का बलात्कार का मुकदमा है, अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा है कि इनका मुकदमा डे टू डे हियरिंग करके जल्दी निपटा दीजिए। 1984 में सिख नरसंहार हुआ, आज तक सजा नहीं हुई। 1990 में कश्मीर में पलायन हुआ, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। जो लोग अपराधी थे, जिन्होंने पलायन कराया था, वो आज भी बैठे हुए हैं। जिन्होंने सिखों को मारा 1984 में, वो आज तक बैठे हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो सज्जन कुमार हो या कोई हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था सड़ चुकी है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून हमारा महाघटिया है। पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया, सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया। एक घंटे के अंदर FIR हो, एक महीने के अंदर जांच पूरी हो, एक साल के अंदर फैसला हो, इसके लिए हमने जजों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं किया। इसीलिए 30 साल 40 साल 50 साल के मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। अदालतों में न्याय बिक जरूर रहा है, जो पैसे वाले हैं वो न्याय खरीद ले रहे हैं, जो गरीब हैं वो तारीख पे तारीख चक्कर लगा रहे हैं, बेचारे साइकिल से जाते हैं, कभी ऑटो से जाते हैं, कभी बस में धक्के खाते हुए जाते हैं, जाते हैं दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं और लौट के आते हैं, फिर उनको एक नई तारीख मिल जाती है। तू-तू मैं-मैं करने से घूसखोरी नहीं ख़त्म होगी, जमाखोरी ख़त्म नहीं होगी। अगर न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, एक साल के अंदर लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाए, तो घूसखोरी खत्म हो जाएगी, कमीशनखोरी खत्म हो जाएगी, जमाखोरी खत्म हो जाएगी, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी। अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, एक साल के अंदर लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाए, मुनाफाखोरी खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, नशा तस्करी खत्म हो जाएगी, मानव तस्करी खत्म हो जाएगी, सोना तस्करी खत्म हो जाएगी, घटतौली खत्म हो जाएगी, नक्काली खत्म हो जाएगी, अगर एक साल के अंदर लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाएगा, भाषावाद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद खत्म हो जाएगा। ये जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, यानी एक घंटे के अंदर FIR, एक महीने के अंदर जांच और एक साल के अंदर फैसला, यानी एक साल के अंदर अगर सजा मिलना शुरू हो जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, परिवारवाद, जो पॉलिटिकल पार्टियों में इतना परिवारवाद चल रहा है, जानते हैं क्यों चल रहा है? कि उनके पास हजारों करोड़ का काला धन है, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है, मुकदमा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फैसला होता ही नहीं, सजा मिलती नहीं है, सजा नहीं मिलती है, इसलिए पूरी पॉलिटिक्स में परिवारवाद चल रहा है, सजा नहीं मिलती है इसलिए दरगाह जिहाद चल रहा है, जगह जगह दरगाहें बना सड़क के किनारे बनाई जा रही हैं, जबकि दरगाह बनाना हराम है, दरगाह पे जाना हराम है, सड़क के, चूँकि सजा नहीं मिलती है, कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, इसलिए सड़क के किनारे जगह जगह मज़ार बनाई जा रही है, जबकि मज़ार हराम है, मज़ार बनाना भी हराम है, मज़ार पर जाना भी हराम है। तो मज़ार हराम, दरगाह हराम, इसके बाद भी हर एक किलोमीटर के बाद बन रही है, क्यों? क्योंकि कानून महाघटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं, दरगाह बनवा देते हैं, पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं, मज़ार बनवा देते हैं, और आराम से एक बार बन गई फिर तो तोड़ी नहीं जाएगी। अगर न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, एक साल के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, लफ्ज़ जिहाद भी रुक जाएगा, लैंड जिहाद भी रुक जाएगा। तू तू मैं करने से, बतौलेबाजी करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से कुछ नहीं होगा, कानून बदलना पड़ेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। अगर हमने पुलिस रिफॉर्म कर दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया और एजुकेशन रिफॉर्म कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दिया, पुलिस चार्टर लागू कर दिया, जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया, सिटीजन चार्टर लागू कर दिया, तो याद रखिए धर्मांतरण रुक जाएगा, रोहिंग्या अपने आप भाग जाएंगे, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। कानून महाघटिया है, उनको पता है यहाँ तो मुकदमा चलता रहेगा, सालों साल चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, और वैसे भी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून है नहीं। कानून अगर कठोर हो जाएगा, न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, अश्लीलता रुक जाएगी। कानून कठोर हो जाएगा, न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, कालाधन खत्म हो जाएगा, हवालाबाजी खत्म हो जाएगी, बेनामी संपत्ति खत्म हो जाएगी, आय से अधिक संपत्ति खत्म हो जाएगी, विदेशी फंडिंग खत्म हो जाएगी। पुलिस रिफॉर्म कर देंगे, जुडिशियल रिफॉर्म कर देंगे, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर देंगे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे, तो शिक्षा माफियाओं का खेल बंद हो जाएगा, कोचिंग माफियाओं का खेल बंद हो जाएगा, ड्रग माफियाओं का खेल बंद हो जाएगा, बालू माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा, कोयला माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा, सड़क माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा, रेल माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा, ड्रग माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे बतौलेबाजी करते रहिए, अच्छे लच्छेदार भाषण देते रहिए, बोल वचन करते रहिए, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेलते रहिए, कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि भारत में वास्तव में कुछ बदलाव आए,
तो नेताओं की जय जयकार करने की बजाय नेताओं से अच्छे कानून की मांग करिए, पॉलिटिकल पार्टियों की जय जयकार करने की बजाय उनसे पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, सिटीजन रिफॉर्म की बात करिए। जब तक टैक्स रिफॉर्म नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, सिटीजन चार्टर लागू नहीं होगा, पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, टैक्स चार्टर नहीं लागू होगा, तब तक इस देश में कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कठोर कानून की मांग करिए, पुलिस व्यवस्था बदलने की मांग करिए, जुडिशियल व्यवस्था बदलने की मांग करिए, जस्टिस विद इन ईयर की मांग करिए। जस्टिस विद इन ईयर लागू होता तो अब तक बहुत सारे लोग जो बाहर घूम रहे हैं ना, ये जेल में होते, जो बाहर भाषण दे रहे हैं ये सारे जेल के अंदर सड़ रहे होते। आज भी कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बहुत से लोग बाहर हैं, हेलीकॉप्टर घोटाला करने वाले लोग बाहर हैं, केरला सोलर पर स्कैम करने वाले बाहर हैं, घूम रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम 2G घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, कोयला घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, चारा घोटाले वाले भी बाहर हैं, लालू यादव को देख लीजिए बाहर घूम रहे हैं, गोबर घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, हसन अली के बारे में आपको जानते हैं उस केस में आज तक क्या हुआ, चावल घोटाला, दाल घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, गोवा माइनिंग स्कैम, उड़ीसा माइनिंग स्कैम, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, सड़क घोटाला, रेलवे घोटाला, दवा घोटाला, किताब घोटाला, मसाला घोटाला, कब्रिस्तान घोटाला, बिजली घोटाला, संसद में नोट की गड्डियाँ लहराई गई, सब कुछ हुआ लेकिन सजा नहीं हुई ना किसी को। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, बतौलेबाजी, नूरा कुश्ती, तू चोर मैं सिपाही, यही चलता रहा। जहाज जानते हैं क्यों चल रहा है? सरतन से जुदा की नारे क्यों लगते हैं? पत्थरबाजी क्यों होती है? क्योंकि इनको सजा नहीं होती। कानून महाघटिया है, कानून घटिया है, इसलिए अभिजीत के हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, अंकित सक्सेना के हत्यारों को सजा नहीं हुई, अंकित शर्मा के हत्यारों को सजा नहीं हुई, अभिजीत सरकार के हत्यारों को सजा नहीं हुई, बादल के हत्यारों को सजा नहीं हुई, बंधु प्रकाश, भरत जाटव, भावेश कोहली, चंदन गुप्ता, ध्रुव त्यागी, दिलवर नेगी, डॉक्टर नारंग, गंगा राम, हर्षा, हीना तलरेजा, हीरा गुजराती, जीतू मोहन, जस्टिस नीलकांत गंजू, कल्प वृक्ष गिरी, कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, खेतराम भील, कृष्णा भरवाड़, कृष्णा देवनाथ, महक, नीलेश, निकिता तोमर, नीलेश तेलगे, परेश मेहता, प्रशांत पुजारी, प्रीति माथुर, प्रियंका रेड्डी, एक के बाद एक हर हफ्ते कोई न कोई मारा जा रहा है जिहादियों के जरिए। लेकिन कानून महाघटिया है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए लोगों को आजीवन कारावास फांसी नहीं हो रही है। जब तक सठे साठ्यम समाचारे सिद्धांत नहीं लागू होगा, देश में अराजकता नहीं रुकेगी। रचित जाटव को मार दिया गया, राजू को, रामलिंगम को, रतन लाल को, रविंदर कुमार को, रिंकू शर्मा को, रिया गौतम को, रुद्रेश को, रूपेश पांडे को, शंभु मैती को, सावन राठौर को, शिवम को, सुशील गोरी को, तिलक राज टपलू को, ट्विंकल शर्मा को, उमेश कोल्हे को, विधु जैन को, विकास यादव को, विनोद कुमार को, विष्णु गोस्वामी को, लगातार एक के बाद एक जिहादी हत्याएं होती जा रही हैं, किसी जिहादी को सजा नहीं मिल रही है, इसलिए लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। अनंतनाग में नरसंहार हुआ, बंगाल में नरसंहार हुआ, दिल्ली नरसंहार हुआ, डोडा नरसंहार हुआ, जम्मू में नरसंहार हुआ, मणिपुर में नरसंहार हुआ, नंदी मार्ग में नरसंहार हुआ, संग्रामपुर में नरसंहार हुआ, सिंहपुरा में नरसंहार हुआ, उधमपुर में नरसंहार हुआ, मंधामा में नरसंहार हुआ, अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में भी नरसंहार हुआ, इसके पहले बंगाल में नरसंहार हुआ था। किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। यदि अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अभी दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, कठोर कानून की मांग करिए। 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने आज के नेता नहीं आएंगे। जिन नेताओं की आज आप जय जयकार कर रहे हैं ना, जिन पॉलिटिकल पार्टियों की आप जय जयकार कर रहे हैं, 25 साल के बाद आपके बच्चों को इसमें से न कोई नेता बचाने आएगा, न कोई पॉलिटिकल पार्टी बचाने आई। जब पाकिस्तान में नरसंहार हुआ था तो जितने लोग समृद्ध थे, जो सक्षम थे, वो तो भाग आए। आडवाणी जी चले आए, जेठमलानी जी चले आए, मनमोहन सिंह चले आए, पूरा कपूर खानदान, राज कपूर का खानदान पूरा चले आया, सुनील दत्त का पूरा परिवार चला आया, मिल्खा सिंह का परिवार चला आया। जो लोग सक्षम थे वो तो भारत भाग के आ गए, फंसा वहाँ पाकिस्तान में कौन? गरीब। और आज क्या हो गया? सब कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही जिन नेताओं के आप जय जयकार कर रहे हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टियों की जय जयकार कर रहे हैं, इन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में या अमेरिका में, जहाँ जहाँ सेफ जगह है वहाँ इन्होंने अपना घर बना लिया है, मकान बना लिया, फार्म हाउस बना लिया है। जिन नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, जिस दिन भारत में अराजकता बढ़ेगी, ये सारे कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, कोई कनाडा भाग जाएंगे, कोई अमेरिका भाग जाएंगे, कोई न कोई अपना देश भाग जाएंगे। फंसेंगे हमारे आपके बच्चे। अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो प्लीज़ इलेक्शन रिफॉर्म की बात मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, टैक्स रिफॉर्म की मांग करिए। और जब तक तूतू मैं चलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। व्यक्ति के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, जब तक व्यवस्था नहीं बदलती तब तक सूरत हाल नहीं भी बदलती। बदहाली का मूल कारण घटिया कानून है, घटिया कानून को बदलने की मांग करिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर भेज दीजिए।